डच लाई, कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ डच कहा झूठ बोलता है। द स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो थर्ड करेंगे हम वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू, फ्रेंच सोसाइटी कितने में डिवाइडेड है, थ्री क्लासेस में वो हुई थी, थ्री ग्रुप्स करना है, जिसे हम कहते हैं ईस्टेट्स, ईस्टेट्स में हुई थी। नेक्स्ट है हाउ कैन अ टीचर कंपेयर द लर्निंग ऑफ सोशल साइंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, एक टीचर कंपेयर कैसे करेगा लर्निंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स में, बाय यूजिंग टीचर मेड टेस्ट के जरिए, या फिर यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर स्टैंडर्डलाइज जो टेस्ट है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए। तो अभी हम फिलहाल में डायग्नोस्टिक टेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मैप्स एंड डायग्राम्स इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स आर रिलेवेंट एज दे, मैप और डायग्राम जो होते हैं सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स में वो किससे रिलेवेंट होते हैं, एड अ न्यू डायमेंशन टू अ कंसेप्ट, आर मेड बाय एक्सपर्ट, मेक अ टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव, या फिर क्लेरिफाई करने कंसेप्ट को। तो फर्स्ट करेंगे हम एड अ न्यू डायमेंशन टू द कंसेप्ट, और क्लेरिफाई ज्यादा हो सकता है तो हम इसे फोर्थ कर देंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स अट्रैक्टिव करना जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट बनाना भी नहीं, क्लेरिफाई करने कंसेप्ट को, न्यू नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है बेस्ट वे टू टीच टॉपिक, टॉपिक अगर आप पढ़ाएंगे, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट किसके जरिए पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड से, स्टोरी टेलिंग करके, या कंडक्टिंग डिबेट करके, अराइविंग कंसिक्वेंस कंसेंसस ओवर इश्यूज, या फिर प्रोजेक्ट पर। तो थर्ड ले लेंगे हम इसमें, कंडक्टिंग डिबेट करेंगे, जिसमें फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हम बता सकते हैं कुछ इश्यूज को लेकर। नेक्स्ट है डिस्कवरी प्रोजेक्ट ऑफ फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वॉज प्रपोज बाय, डिस्कवरी प्रोजेक्ट टीचिंग सोशल साइंस में किसने प्रपोज किया था, पियाजे ने, डेविड आर्मस्ट्रांग, एची आर्मस्ट्रांग, या फिर राइट स्टोन। इसे फिलहाल हम यहां से रिव्यू कर देंगे, नहीं मिला तो ये तो प्याजे नहीं है, या फिर हम इसे एची आर्मस्ट्रांग करके रख देंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग ऑफ सोशल साइंस डज नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग जो है सोशल साइंस का वो किस पर फोकस नहीं करता, मेमोराइजिंग पे, या फिर क्वेश्चनिंग पे, या डिस्कसिंग पे, या इंक्वायरी पर। तो इसे हम मेमोराइजिंग पे करेंगे, याद दिहाने के लिए नहीं रहेगा, सेव करेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिविजन ऑफ सोशल साइंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो इसे हम एंथ्रोपोलॉजी करेंगे, कभी एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हो उसे, तो ये कर देंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अ टीचर राइट्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर हिज और हर लेसन प्लान एज स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन नेस्टी, दिस ऑब्जेक्टिव विल कम अंडर। तो इसे हम फिलहाल में भी अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, अंडरस्टैंड करने के अंदर में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, टू मेक टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, इसमें से क्या करना होगा, कंटेंट रिलेटिंग टू ऑल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स शुड बी एडेड इन टेक्स्ट बुक, के सारे जितने रीजन होते हैं और जितने सोशल ग्रुप है सबको उसमें मिक्स कर दिया जाए बुक में, या फिर रिलेवेंट लोकल कंटेंट उसमें बनाया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ड्रॉइंग के तरह लोकल रिसोर्सेस में, या फिर टेक्स्ट बुक लिखी जानी चाहिए हर लैंग्वेज में कंट्री के हिसाब से, स्पेशली जो लैंग्वेज मेंशन है शेड्यूल 8 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, या फिर कॉमन इश्यूज अमंग रीजन में हाईलाइट होने चाहिए एक्सक्लूसिवली प्रमोट करने स्पिरिट ऑफ फेडरल रिपब्लिक के लिए। तो टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन ऑन सोशल ग्रुप में क्या है, तो हम इसे फर्स्ट कर देंगे कंटेंट्स रिलेटिंग टू ऑल रिलीजन एंड रीजन एंड सोशल ग्रुप एडेड इन टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट है 53, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रपोज दैट ज्योग्राफी शुड बी टॉट टू, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है वो क्या कहता है कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ाया जाए, इंस्ट्रक्ट द रोल ऑफ डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इज इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, या फिर गाइड स्टूडेंट्स अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कि जो भी कुदरती आफत से जो चीजें तहस नहस हुई है उसके जरिए गाइडेंस देना, या फिर फोकस ऑन द ऑप्टिमम एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को नेचुरल वो बताना, या फिर इनकलकेट
क्रिटिकल एप्रिसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो इसे हम फोर्थ कर देंगे, इनकलकेट करना क्रिटिकल एप्रिसिएशन को कन्वर्जेशन एनवायरमेंटल कंसर्न। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ टीचिंग प्रोसेस ऑफ सोशल स्टडीज शुड बी, नेचर कैसे होना चाहिए टीचिंग प्रोसेस का, साइंटिफिक सोशल या ज्योग्राफिकल या हिस्ट्रिकल, तो साइंटिफिक होना चाहिए तो इसे हम फर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है द मीडियन स्कोर ऑफ अ क्लास 51 स्टूडेंट इन 36 इन अ समेटिव असेसमेंट इन अ सोशल साइंस, एक सोशल साइंस के अंदर 51 स्टूडेंट का 36 समेटिव में क्लास का स्कोर है, तो ये क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर किया है 36 है, या फिर 25 स्टूडेंट स्कोर किए हैं मार्क्स इक्वल टू, या फिर अबव एवरेज 36 है, या मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने स्कोर किया है 36 से 46 में, या फिर 36% कंटेंट उन्होंने पढ़ा है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि 25 स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं मार्क बराबर 36 के, इसका मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय रीजनिंग इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, रीजनिंग का क्या मतलब निकलता है सोशल साइंस में, कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन डिराइविंग डिडक्शन में, या फिर कंसिडरिंग द सजेशन ओवर अ प्रॉब्लम, या फिर बोथ ए एंड बी, तो इसे हम बोथ ए एंड बी कर देंगे फिलहाल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एज अ सोशल साइंस टीचर, आप एक सोशल साइंस के टीचर है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे टीचिंग एड, के एजुकेटिव होना चाहिए, अप्रोच ऑफ टीचिंग में होने चाहिए, के इनिशियल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए, या फिर कोई नहीं, तो हम फिलहाल इसे एजुकेटिव कर देंगे, एजुकेटिव करेंगे। थ्री क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 3, 4, 5। टीचर शुड बी केयर व्हेन यूजिंग एनी एक्टिविटी और रिसोर्स टू टीच सोशल साइंस दैट इज इन दैट डज नॉट रेनफोर्स, के जो टीचर है उसने कोई एक्टिविटी रिसोर्स को टीच करना चाहिए सोशल साइंस के हिसाब से, तो कौन सा नहीं होना चाहिए, स्टेरियोटाइप आंसर कमेंट ऑफ स्टूडेंट या नन ऑफ अबाउ, तो स्टेरियोटाइप हम कर देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लीमेंट ऑफ टर्म टीचिंग इन सोशल साइंस, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इवेल्यूएशन ऑल ऑफ द अबाउ, फिलहाल हम इसे ऑल ऑफ द अबाउ कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे व्हाइल टीचिंग सोशल साइंस एक टीचर को क्या होना चाहिए, ही शुड इंस्पायर, उसने इंस्पायर होना चाहिए स्टूडेंट से कि कैसे वो सोसाइटी में उनकी खुद की एग्जांपल कैसे देगा। दूसरा है कि ट्रेन करना चाहिए स्टूडेंट को हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, सेल्फ और सराउंडिंग के हिसाब से, और थर्ड है कि एग्जाम्पल देना है कि रियल हीरोज के सोसाइटी के सारे चीजें भी है इसके अंदर, सोशल साइंस जब पढ़ा रहे तब, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हम कर देंगे कि हीरोज की भी उसमें एक आएगा, उसका भी हौसला अफजाई। नेक्स्ट है हु वाज विक्ट्री ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग हुआ नहीं था तो इसे हम सेव कर देंगे अभी। और नेक्स्ट है इसमें ये हो चुके हैं असल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस आयन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट, इसमें से कौन सा माइन करता है आयन ओर को जापान से विशाखापट्टनम पोर्ट से, प्लेमो धाबन राजमहल बेलाडीला, इन फोर्थ कर देंगे बेलाडीला फोर्थ करके, हाँ बस्टर डिस्ट्रिक्ट में इसे सेव करेंगे। और 27 एक रह गया बस। नेक्स्ट है डैश इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज को, या फिर मॉनिटर करना मॉनिटरी पॉलिसी, तो बहुत इसे हम कर देंगे सेव करेंगे और इसे एंड कर देंगे। ये हमारा टाइम से पहले हो गया टेस्ट, इसे सेव करेंगे और इसके आंसर देखेंगे। ये सेव कर दिया है, इसमें से 17 इनकरेक्ट आए, 43 करेक्ट, और एनालिसिस में नेक्स्ट इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे जिसमें से हमारे जो क्वेश्चन गलत और सही हुए उसकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।